गलत लाइफस्टाइल और खान पान से लोगों की सेहत पर ख़राब प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हम सभी को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मोटापा, थकान, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या इत्यादि। उस तरह की समस्याएं भले ही शारीरिक हो या मानसिक, उनसे छुटकारा पाने के लिए योग काफ़ी लाभकारी होता है। वहीं बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों और घुटनों के दर्द होना आम बात है। सर्दियों में ये दर्द की समस्या और बढ़ जाती है। इसका एक कारण हमारा गलत लाइफस्टाइल भी है। वहीं हम योगासन करके इन बीमारियों से, जैसे कि घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गोकुल है और मैं साधक योगशाला में योग शिक्षक हूँ। तो योग के अनेक फायदे हैं, जैसे आजकल बीमारियाँ हो रही हैं तो नियमित योगाभ्यास करने से वो बीमारियाँ नहीं होती हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, साथ के साथ जो हमारा शरीर है उसका लचीलापन बनता है और शरीर की जो होती है शक्ति भी बढ़ती है। तो सभी व्यक्तियों को योग नियंत्रण करना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके जो होने वाले स्राव हैं वो भी बैलेंस में आते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए आपकी जो प्रारंभिक स्थिति है वह खड़े होने की स्थिति होती है, जिसमें आपके पैर मिले रहते हैं और हथेलियाँ आपकी हिप्स पे रहती है। गहरी श्वास भरते हैं इस आसन में और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को फैला लेते हैं। पैरों के बीच में जो गैप है वो लगभग 3.5-4 फीट का होना चाहिए। अब आप जिस तरफ से इस आसन को करना चाहते हैं, उस तरफ का जो पैर है, जो फुट है, वो 90 डिग्री पे बाहर हो जाएगा और जो पीछे वाला पैर है, दूसरा पैर, वो थोड़ा सा अंदर रहेगा, स्लाइटली इन होगा। पश्चिमोत्तान आसन के लिए हम बेस स्थिति में आते हैं, यानी कि प्रारंभिक स्थिति। इसमें हमारे जो दोनों पैर हैं वो मिले रहते हैं और जो हमारे पैर के पंजे हैं वो भी मिले रहते हैं। कमर हमारी एकदम सीधी रहती है, हथेलियाँ हमारी हिप्स के बगल में रहती है। श्वास लेते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं और श्वास छोड़ते हुए हम अपने आगे की तरफ झुकते हैं और कमर भी हमारी आगे की तरफ आती है। संभव हो तो हम पैर के अंगूठों को पकड़ सकते हैं, अगर यह संभव ना हो तो हम पैरों को जो है साइड से पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे अपने जो ठुड्डी है, चिन है, उसे आगे लाने का प्रयास करते हैं और चिन को घुटने से आगे लगाने का प्रयास करते हैं। तो यह है पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति। मलासन को हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर आप खड़े हैं, खड़े होने की स्थिति में, तो पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे लगभग 2 फीट के आसपास, हथेलियाँ आपके हिप्स पर रहेंगी, गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को बेंड कर लेंगे और हिप्स को नीचे की तरफ लाएंगे, जमीन की तरफ। चेहरा आपका सामने रहेगा, कमर एकदम सीधी रहेगी। फिर सांस भरते हुए अपनी दोनों हथेलियों से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और आपकी हथेलियाँ जो है आपकी छाती पर स्पर्श करेंगी। यह है मलासन की स्थिति। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बेरोरिया, लोकल 18 के लिए।